नमस्कार दोस्त, मैं आपके बीच फिर से कर आया हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि जो हमारे झारखंड बिहार में अभी बहुत बारिश हो रही है, बरसात की मौसम है, तो इस तरह से अधिकतर सांप जो स्नैक होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, घर के अंदर चले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जिसे हम लोग धामन बोलते हैं, इसे काटने से कुछ नहीं होता है और ये सिर्फ एक टीटी का इंजेक्शन ले लीजिए, बस ठीक हो जाएंगे। और यही सांप काटने से अगर किसी तंत्री के पास, किसी मंदिर मस्जिद, किसी गुनी ओझा के पास चले जाते हैं तो उसने थोड़ा बहुत वो कर दिया तो ठीक हो जाता है। तो इसलिए वो आपको विश्वास भी हो गया कि नहीं भाई, ये बाबा ठीक है, हमने सांप ने मुझे काटा, मुझे बचा लिया। वो अगर किसी जहरीले सांप ने काटे उसका दो ऐसा तरह से दो बार वाइट होता है दो दांत का, आप ये भी देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो उस दौरान वो उसके पास अगर जाएंगे तो उसका हाथ में नहीं, तो उसको पता है क्योंकि ये जहरीला सांप ने काटा है, तो इसलिए वो बोल देगा कि भाई बहुत आपने लेट कर दिया, आप जल्दी से हॉस्पिटल चले जाओ, दूसरा जगह जाओ, अपने ऊपर विलम्ब नहीं लगाओ। तो इसलिए आप लोग लापरवाही की वजह से हमारे यहाँ मृत्यु हो जाती है, बहुत व्यक्ति को मौत मिल जाती है, बहुत दुख होता है इस तरह सुनने से। और जिससे कि ये कहते हैं राइसल बाइपर, घोड़ करेत भी आप कह सकते हैं शायद, जिसे राइसल बाइपर हम लोग बोलते हैं। तो ये जब काटते हैं तो उस जगह बहुत ज़ोर से सूजन आता है, बहुत दर्द यानी पेन होता है, दर्द होता है, वो सूजन सूज जाता है, फूल जाता है नहीं। और जिस जगह काटते हैं ना उस जगह जगह को पूरी तरह से देख सकते हैं, पूरी तरह से खराब कर देते हैं उनको। और ऐसा ना हो जाए कि सांप ने काट लिया, मैंने यहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा, मैं यहाँ मैंने रस्सी बांध दिया, ऐसा नहीं। आप इस तरह से बांधते 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 पूरा यहाँ तक बांध दें ताकि आपका ब्लड भी चलते रहे हाथ में और धीरे धीरे वो चेहरा आपका पास जाएगा, तब तक आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जा कर पहुँच सकते हैं और सही तरीक़े से एंटी वेनम लेने से आपका जान बच सकती है। ना कि कोई तांत्रिक बचा सकता, ना मस्जिद मंदिर कहीं नहीं बचा सकता। अगर कोई ये कहता कि वो तांत्रिक है, उसने जहर से सांप ने काट लिया, जहर निकाल के उसको व्यक्ति को बचा दिया, तो मेरे सामने करके दिखाए, मैं उसे 5000 इनाम दूंगा, 5000 मैं दूंगा आपको। और जितना भी मांसाहारी सांप है यानी जहरीले सांप है, कभी दूध नहीं पीते हैं दोस्त, ये गलत भ्रम है। उसके पास पाचक शक्ति जो होता है ना हम लोग के अंदर जो होता है, जो सब जीव जंतु के पास होता है, वो जहरीले सांप के अंदर नहीं होते हैं पाचक शक्ति। तो इसीलिए वो मांसाहारी शाकाहारी नहीं है। तो मांसाहारी वो उसका पसंदीदा भोजन है चूहा, मेंढक, कीड़ा मकोड़ा ये सब है, वही खाते हैं। और वो जब खाते हैं उसके अंदर वो पॉइजन जहर डालते हैं, उससे उसका खाना वो हजम होते हैं। तो ये है, आप देख सकते हैं, ये है कॉमन करेत, जिसे हम लोग साइलेंट किलर कहते हैं। साइलेंट किलर हम लोग अपने गांव घर में इसको करेत के नाम से जाने थे। इसका दांत इतना पतला होता ना कि ये बाल से भी ज़्यादा पतली होता है, कब आपको बाइट करेगा ये, कब नहीं करेगा आपको कुछ पता नहीं चलेगा, है ना, पता नहीं चलता है। वो इसकी वजह से इसका एक ही एक लक्षण होता है, काट लें 2 मिनट के बाद आपका पेट में पेन होगा यानी दर्द होगा, ठीक है, आँख से धुंधलापन नज़र आएंगे, आपका सर में चक्कर आएगा, वोमिट आएगा, है ना, आप पूरा शरीर तोड़ेगा मुड़ेगा। तो समझ लीजिए इस तरह से थोड़ा जल्दी से आप हॉस्पिटल जाने की कोशिश करें, क्योंकि इसे पता नहीं चलता ये आपने कब काट लिया, कब क्या किया, है ना। और अधिकतर मच्छरदानी लगा के सोते हैं घर में, तो अच्छी बात है, नहीं है तो ले आइए प्लीज़, आप लोग चाहते तो निवेदन है। बहुत एक व्यक्ति को इस तरह हुआ, घटना हो गया है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो प्लीज़ ऐसा ना हो। हमारे भारत देश में 5 से 6 है जो कि जहरीले सांप है, बाकी सब बिना जहर की सांप है मेरे भाई। इस भ्रम में कोई बोलता ना हरहरा सांप, ढोंढ सांप, भिटकोरिया सांप, ये सबसे कुछ नहीं होता है। अगर काट भी लेना बाड़ू सांप जैसे बोलते हैं, इससे कुछ नहीं होता है। और एक यहाँ भाई रैसल बाइपर, सेम बाड़ू जैसे अजगर की बच्चा जैसे दिखता है, इस रैसल बाइपर को कम मत समझिएगा। अगर इस रैसल बाइपर अगर काट लिया ना तो भाई बचना बहुत कम होता है, इससे गलती से इसे तंग मत कीजिए। और ये फुक्कर बहुत तेज़ी से मारेगा, अब जैसे ये एस बना लेगा तो सोच लीजिए वाइट करने का मूड में है।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।